बने रहिएगा क्योंकि आप लोगों को आगे और मज़ा आएगा। देख सकते हैं गाइस अभी हम के तरफ आए हैं तो इधर काफ़ी लोगों ने जो है सूरजमुखी बूटा लगाए हुए हैं, तो आप लोगों को गर्मी के सीज़न में भी हमारे तरफ से जो पूरा हरियाली नज़र आएगा तो देख सकते हो काफ़ी दूर तक बूटा लगाए हैं, तो हम आगे तक जाएंगे तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा। तो ये पास में ही नदी है, इंद्रावती नदी है, तो हम आप लोगों को नदी पर दिखाएंगे। तो आप लोग अगर हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए गाइस अब हम आगे चलते हैं तो आगे तक आप लोगों को हम दिखाएंगे। तो गाइस आज तो शिवरात्रि है और आज हमारे तरफ बहुत बड़ा मेला भी होता है, तो चित्रकूट वाटरफॉल। तो गाइस अगर आप लोगों ने चित्रकूट वाटरफॉल नहीं देखे हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं मेला, तो वहाँ का हम ब्लॉग बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते हो तो हम हमारे जो वीडियो डालेंगे वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो गाइस अगर आप लोगों में से कितने लोग हैं जो चित्रकूट वाटरफॉल्स नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं वहाँ का वीडियो डालूंगा और वहाँ का एड्रेस भी डाल दूंगा। हो सकता है अगले साल आप लोग भी आने की कोशिश करिएगा क्योंकि वो प्लेस आप लोगों को अच्छा लगता है। तो देख सकते हो गाइस आप लोगों को चारों तरफ हरियाली नज़र आएगा गर्मी में भी, क्योंकि क्या है काफ़ी लोग हैं जो अभी गर्मी के सीज़न में भुट्टा का खेती करते हैं, क्योंकि पहले नहीं करते थे, अभी काफ़ी लोग जा चुके हैं, तो अभी बरसात में भी करते हैं, उसके बाद फिर धान लगाते हैं, धान कटाई होने के बाद फिर से भुट्टा लगाते हैं, तो खेत कभी खाली नहीं रहता है। लोगों को हर बार हमारे गांव तरफ का जो सीन है वो हरा भरा नज़र आएगा, क्योंकि सबके पास ट्यूबवेल है, पास में नदी है, तो सब सिंचाई उचाई करते हैं। तो गाइस आप लोगों को मैं नदी भी दिखाना चाहता हूँ, ये जस्ट थोड़ा आ गई है, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा, देख लीजिएगा गाइस बहुत दूर दूर तक पूरा खेती करते हैं अभी तक। तो गाइस हम लोग नदी पहुंचने ही वाले हैं, तो देख सकते हो इतना दूर चल के आए हैं, इतना दूर चल के आने के बाद नदी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि बहुत पीछे से यहाँ नदी पहुंचे तक आप लोगों को भुट्टा ही नज़र आएगा नदी पहुंचे तक, मतलब बहुत लोग करते हैं मेरे से। ये यहाँ पे सागन का पेड़ लगा हुआ है वाला। तो गाइस हम लोग फाइनली नदी पहुंच गए हैं, तो देख सकते हो नीचे पानी नज़र आ रहा है, यही नदी है, तो हम आप लोगों को और पास से दिखाएंगे। उससे पहले ये पास का कुछ नज़ारा देखिए, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि चारों तरफ हरा भरा है, इसी वजह से तो ये वाला जो रूम आप लोगों को नज़र आ रहा है इसमें स्टार्टर मोटर वोटर चालू करने की मशीन है, स्टार्टर बोलते हैं। तो गाइस गर्मी के सीज़न में भी हमारे नदी ना इस तरह भरा रहता है, देख सकते हो कि पानी का कोई कमी नहीं है, तो भरा भरा है, मतलब आगे जो डैम बना हुआ है वो शायद बंद होगा, कभी खोलते हैं कभी बंद कर देते हैं, इस वजह से यहाँ पे हमेशा पानी भरा रहता है, देख लीजिए गाइस। चित्रकूट वाटरफॉल्स में जो ये इसी नदी का पानी है जो गिरता है, तो फाइनली गाइस ये है मशीन, देख सकते हो यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, ये इसी पानी जा रहा है, तो इधर बाजू में भी चुप कर रहे हैं, वैसे किनारे किनारे मोटर वोटर लगा हुआ है, तो अभी ट्यूबवेल वेल करने की जरूरत ही नहीं है, जब नदी है तो काफ़ी लोगों के लिए पानी बर्फ मात्रा में मिल जाता है। तो गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जो भी ब्लॉग्स मैं डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच जाएगा। तो गाइस
अभी के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो हमारे ब्लॉग देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा। तो गाइस आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय गाइस।